गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मजदूरों को रुपए का लालच देकर उनका खून बेचने वाले गिरोह के एक और साथी को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने के बाद से पुलिस 3 आरोपियों को जेल भिजवा चुकी है। अब भी गिरोह में शामिल 3 साथी फरार हैं, जिनकी तलाश में टीमें लगी हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपी की पहचान बुगलहा निवासी रामाशीष के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक और मजदूर के सामने आने के बाद केस दर्ज कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया था। मुख्य आरोपी वसील समेत 6 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा था, लेकिन फिर वह जमानत पर बाहर आ गए थे। इसके बाद पुलिस ने गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो फिर सड़क पर उतरे लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को जेल भिजवा दिया था। अब पुलिस ने तीसरे आरोपी रामाशीष को भी गिरफ्तार कर लिया है। रामाशीष बीआरडी के ब्लड बैंक में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्य करते हुए गैंग के सरगना से मिला हुआ था, जिसे गुलहरिया पुलिस ने सोमवार की सुबह सरैया से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरीक्षा में जेल भेज दिया। 11 जनवरी को सरगना गैंग के लीडर केशव देव समेत गैंग के 6 साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसमें गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त वसील खान और मोहम्मद रफी उद्दीन को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरीक्षा में जेल भेज चुकी है। इस संबंध में एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस ने खून माफिया गिरोह में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगी है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, कल रामाशीष सनफ रामारत जो कि मुगला गुलरिया का रहने वाला था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर पहले से भी मुकदमा था और गैंगस्टर में भी वांटेड था हमारा। ये गैंग है जो भोले वाले लोगों का, सीधे साधे लोगों का खून निकालकर अवैध रूप से उसका व्यापार करते हैं और धन अर्जन करते हैं। सर, इनके खिलाफ आगे भी और भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल, इनके द्वारा आगे चलकर गैंगस्टर एक्ट में जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है उसका समापन किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम चलाने के लिए नगरीय क्षेत्र के सभी अर्बन पीएससी पर तैनात एएनएम का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सीएमओ कार्यालय की प्रेरणा श्री सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान सीएमओ आरसीएस डॉक्टर एके चौधरी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंची सभी एएनएम को नियमित टीकाकरण के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही टीकाकरण के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात एसीएमओ आरसीएस डॉक्टर एके चौधरी द्वारा सभी एएनएम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसीएमओ आरसीएस डॉक्टर एके चौधरी ने कहा, ये नगरीय क्षेत्र के जितने हमारे अर्बन पीएससी होती हैं वहाँ की एएनएम लोग हैं और इनको हम लोग जो है टीकाकरण के विषय में कुछ अपडेट कर रहे थे। क्या कुछ प्रशिक्षण के दौरान बताया जाता है? प्रशिक्षण के दौरान इन्हें ये बताया जाता है कि किस किस बीमारी के लिए कौन कौन सा टीका लगता है और उनको कैसे लगाया जाता है। बस एक वीक पॉइंट हमारा ये भी था कि जो है फीडिंग जो है इसकी बड़ी पुअर थी, तो फीडिंग कैसे किया जाएगा उसके बारे में इन लोगों से चर्चा किया गया है। इस दौरान इनको सर्टिफिकेट भी दिया गया। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के अनुक्रम में एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई। इस संबंध में एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नॉर्थ क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि रात्रि के समय सभी अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की चेकिंग करें। साथ ही क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम जनमानस से सामंजस्य स्थापित कर अपने दायित्व का निर्माण करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ये डेली हमारा चेकिंग अभियान चलता है। इसमें शाम को जो अवैध व्यक्ति, अवैध वाहन और उनको बैरिकेडिंग लगाकर चेक किया जाता है, जो भी संदेह होता है उसकी गाड़ी का चेकिंग किया जाता है। सर, मुख्यतः किस जगहों पर ये अभियान चलाया जाता है? ये हमारे जो मुख्य मुख्य बाजार हैं, भीड़भाड़ वाले चौराहे हैं, वहाँ पर इस तरह की चेकिंग कराई। गोरखपुर महानगर में चल रहे विकास कार्यों के निर्माण कार्य विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने नगर निगम स्थित नए सदन भवन हॉल में समीक्षा बैठक की। इस दौरान नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने चल रहे निर्माण कार्य की जानकारी ली। साथ ही सभी अधिकारी और कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से सभी कार्यों को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद। कुष्ठ रोग का उपचार ले चुके या उपचाराधीन कुष्ठ रोगी से समाज में संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। ऐसे लोगों के साथ रहा जा सकता है और उनके साथ विवाह भी किया जा सकता है। समाज को खतरा उन रोगियों से है जो लक्षण के बावजूद भय, भ्रांति, कलंक और भेदभाव के कारण
कुष्ठ रोग की जांच नहीं करा पाते हैं। इस संदेश के साथ साथ भेदभाव का अंत करें, सम्मान को गले लगाएं की थीम को साकार करने का पूरे जिले में मंगलवार को संकल्प लिया गया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही साथ 14 दिनों तक चलने वाले स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान भी शुरू हो गया। आपको बता दें, इस खास दिवस पर कुष्ठ रोग उन्मूलन में बेहतर योगदान के लिए जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव को लखनऊ में हुए एक समारोह के दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थ सारथी सेन शर्मा और राज्य कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर जय देहलवी द्वारा सम्मानित भी किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे के दिशा निर्देश में जिले का मुख्य आयोजन जिला कुष्ठ अधिकारी कार्यालय पर किया गया, जहां कुष्ठ निवारण की शपथ दिलाई गई। इस संबंध में जिलाधिकारी का संदेश भी सभी लोगों को पढ़कर सुनाया गया। जिले की सभी सीएससी, पीएससी और ब्लॉक पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने कुष्ठ मुक्त जनपद के लिए जागरूकता की